हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका आपके चैनल सिलेक्शन मंच पे। और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना बच्चों, ध्यान रखना, आज का टॉपिक अपने सिलॉग्स का ओनली फ्यू एंड ओनली केसेस, ठीक है? बहुत ही बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन था, तो आज मेरी कोशिश ये होगी कि आपका कन्फ्यूजन कम से कम यहाँ पर एंड हो जाए, ठीक है? तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी मेरी बात सुनो। देखो, एक बात सुनो मेरी, पहले मुझे ये बताओ, ये जो ओनली नाम का शब्द होता है, ये जो ओनली नाम का शब्द होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ये जो ओनली नाम का शब्द है ना, ये क्या जमाता है? ये हक जताता है, ये हक जताता है, ठीक है, ये हक जताता है। या मैं ऐसा कह सकता हूं ना कि ये पोजेसिव, पोजेसिव शब्द है, पोजेसिव शब्द है, ठीक है। मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ये पार्शियली पॉजिटिव है। ये शब्द कैसा कैसा है? ये शब्द पार्शियली पॉजिटिव है। पार्शियली पॉजिटिव नाम मैंने क्यों जोड़ा इसके साथ, बताओ? देखो, एक बात सोचो, आप लोग जिस घर में रह रहे हो, मान लो सपोज ये जो घर है आपका, ठीक है, ये जो घर है इसमें आप तीन भाई हो, ठीक, इसमें आप तीन भाई हो, तो ये बताओ क्या ये कहना उचित होगा कि ये सिर्फ मेरा घर है? क्या ये कहना उचित होगा कि ये सिर्फ मेरा घर है? अगर सिर्फ ये मेरा घर होगा तो इन दोनों भाइयों का नहीं होगा, यही तो मतलब है ना। तो यहां पर मैं क्या यूज कर सकता हूं? यहां पर मैं यूज कर सकता हूं ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। मैं यहां पर यह बिल्कुल नहीं बोल सकता कि यह सिर्फ मेरा घर है। मैं ये शब्द नहीं बोल सकता, ठीक है ना? और रीजन समझ में आ रहा है क्यों नहीं बोल सकता हूं? रीजन इसका ये है कि जब आप ये बोलते हो कि ये सिर्फ मेरा घर है, तो इसका मतलब कि आपके दोनों भाइयों का घर नहीं होगा ये। और जब ये बोलते हो कि ये मेरा घर है, तो इसका मतलब आपका घर तो है ही है, प्लस आपके दोनों भाइयों का भी ये घर हो सकता है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी ओनली नाम का शब्द जुड़ेगा, तो ध्यान रखना ये कैसा शब्द होता है? ये होता है पोजेसिव शब्द। तो पॉजिटिव शब्द हमेशा दो रिजल्ट देते हैं। जब मैंने ये बोला कि यह मेरा घर है, इसके रिजल्ट मुझे दो मिलते हैं। अब दो रिजल्ट क्या क्या मिल रहा है? पहला रिजल्ट तो ये मिलता है कि ये मेरा घर है, ठीक है। दूसरा रिजल्ट मुझे ये भी मिलता है कि ये किसी और का घर नहीं है। बात समझे कि नहीं? तो इस टाइप के शब्द, ओनली टाइप के शब्द हमेशा पॉजिटिव होते हैं और पार्शली पॉजिटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे नेगेटिव रिजल्ट भी जनरेट होता है, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारे ओनली का मतलब, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ओनली के केसेस में, तो हमारे पास सबसे पहला जो केस आएगा, सबसे पहला जो केस होता है वो होता है ओनली ए आर ओनली बी, ओनली ए आर ओनली बी, ठीक है। अब देखो, ओनली ए आर ओनली बी का मतलब होता क्या है? जब कभी भी ये वाला सेंटेंस लिखा होगा, तो आपको इसको ट्रीट कैसे करना है, इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, इसको ट्रीट कैसे करना है? इसको आप ट्रीट करोगे ऑल ए इक्वल्स टू बी। हम ट्रीट करेंगे इसको इस तरीके से। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब मैं कभी भी डायग्राम बनाऊंगा ओनली ए आर ओनली बी का, तो मैं बनाऊंगा सिंगल डायग्राम और ए इक्वल्स टू बी शो करूंगा और मैं मार दूंगा इसमें शेड। बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा देखो, एक बात सुनो ध्यान से, एक बात मुझे ये बताओ, जब मैंने लिखा, अब मैं यहां पर दो चीजें लिख रहा हूं, मैंने लिखा ओनली ए आर ओनली बी, एक लाइन मैंने ये लिखी, और दूसरी लाइन में क्या लिखता हूं, दूसरी में लाइन लिखता हूं ऑल ए इक्वल्स टू बी, ठीक है।
तो सबसे पहला काम ये होगा कि आप इसमें डिफरेंशिएट करो कि इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों लाइनों का मतलब क्या है। ठीक है, देखो दोनों चीजों में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे अंतर है? जब मैं कभी भी ओनली ए आर ओनली बी का डायग्राम बनाऊंगा तो मैं इसको ट्रीट कैसे करूंगा? मैं ट्रीट करूंगा ऑल ए इक्वल्स टू बी, मैं ट्रीट करूंगा इसको, बट 100% नहीं मान सकता मैं इसको इस तरीके से। देखो अगर फिर इसमें और इसमें अंतर क्या है, फिर इन दोनों में अंतर क्या है? अगर मैं इसको पूरी तरीके से यही ट्रीट करूंगा तो इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर सबसे बड़ा ये है कि जब ये बोलता है ओनली ए आर ओनली बी, तो यहां पर ए इक्वल्स टू बी बना के मैंने थोड़ा सा शेड का यूज कर दिया। ठीक है, अब ये शेड क्या है? शेड क्या चीज है? शेड जो है ये क्या शो कर रहा है? शेड शो करता है कि ये ओनली का पार्ट है। बात समझ में आ रही है? शेड क्या शो करेगा? शेड शो करेगा कि ये ओनली वाला पार्ट है। ठीक है, और जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? इसका डायग्राम बनेगा ए इक्वल्स टू बी, और मैं यहां पर शेड को नहीं मारूंगा। ठीक है, अच्छा अब सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो सबसे पहला डिफरेंस ये है, सबसे पहला डिफरेंस ये है कि ए एंड बी, ए एंड बी ठीक है, कैन नेवर एंड एवर, कैन नेवर एंड एवर मेक मेक एनी पॉजिटिव डेफिनेट रिलेशन विद दी थर्ड एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि ए और बी, देखो ये सिर्फ क्या कहना चाह रहा है? ये तो ये कहना चाह रहा है ना कि ए सिर्फ बी का हिस्सा है और बी सिर्फ किसका हिस्सा है? बी सिर्फ ए का हिस्सा है। इसका मतलब ए बी के लिए जी रहा है, बी ए के लिए जी रहा है। इन दोनों की लाइफ में किसी तीसरे बंदे की एंट्री हो ही नहीं सकती, यही तो मतलब है। तो ए और बी कैन नेवर एंड एवर मेक एनी पॉजिटिव डेफिनेट रिलेशन विद द थर्ड एलिमेंट। अब यहां पर क्या है? यहां पर ये है, अब ये पॉजिटिव लाइन तो नहीं है ना, तो ए एंड बी कैन मेक पॉजिटिव डेफिनेट रिलेशन विद द थर्ड एलिमेंट। ठीक है, ये दोनों बंदे किसी तीसरे के साथ इंटरसेक्ट कर सकते हैं पॉजिटिवली, और ये दोनों बंदे तो कर ही नहीं सकते यार। ठीक है, दूसरा तुम्हारे सामने क्या डिफरेंस आएगा? दूसरा जो डिफरेंस यहां पर आएगा वो आएगा ए एंड बी कैन नेवर एंड एवर। देखो ये कभी भी चाहे कोई भी सिचुएशन हो, ए और बी कैन नेवर एंड एवर मेक मेक पॉजिटिव पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटीज विद द थर्ड एलिमेंट। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब यह हुआ कि अगर ए और बी का तुमने किसी के साथ, यानी सी मान लो, जैसे तुमने कोशिश किया कि सम बी आर सी, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ए और बी किसी के साथ पॉजिटिव डेफिनेट रिलेशन नहीं बना सकते। और अगर तुमने पॉसिबिलिटी भी कोशिश की, अगर तुमने पॉसिबिलिटी भी कोशिश की ना, तो पॉसिबिलिटी भी क्या हो जाएगी तुम्हारी? पॉसिबिलिटी भी तुम्हारी डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, पॉसिबिलिटी भी डेफिनेट फॉल्स हो जाएगी। इस केस में क्या हो सकता है? इस केस में हो सकता है ए एंड बी कैन मेक पॉजिटिव
कैन मेक पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज, पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज विद द थर्ड एलिमेंट, विद द थर्ड एलिमेंट. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुमने सी को इंटरसेक्ट कराया या कराने की कोशिश की तो शायद यहाँ पर सी इंटरसेक्ट हो जाए, यही तो मतलब है ना. लेकिन इस केस का क्या मतलब है? इस केस का मतलब है कि यहाँ पर हो ही नहीं सकता. ठीक है, तीसरी चीज़ क्या होगी यहाँ पर? तीसरी चीज़ होगी ए एंड बी कैन नेवर मेक नेगेटिव पॉसिबिलिटीज, नेगेटिव पॉसिबिलिटीज विद द थर्ड एलिमेंट. अब इसका क्या मतलब है? देखो एक बात बताओ, मैंने आपको हमेशा बोला, देखो मैं ये चीज़ मान के चल रहा हूँ कि अगर आप ओनली फ्यू वाले और ओनली वाले पार्ट को पढ़ रहे हो तो इसका मतलब कि आपको बेसिक का जो पहले का सिलॉग्स था वो पहले का सिलॉग्स आपको आता होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ यार, क्योंकि देखो उसकी एप्लीकेशन यहाँ पर आने वाली है. ठीक है, अब देखो अगर वो तुम्हें आता होगा तो एक चीज़ मुझे ये बताओ, जो चीज़ ट्रू होती है ना उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है? अगर कोई चीज़ ट्रू है तो उसकी पॉसिबिलिटी डेफिनेटली फॉल्स होती है. तो ये बताओ यहाँ पर ए और बी तो किसी के साथ रिलेशन बना ही नहीं सकते ना, तो इसका मतलब अगर तुमने बनाने की कोशिश की तो वो फॉल्स होगा कि डेफिनेटली फॉल्स होगा? वो डेफिनेटली फॉल्स होगा. इसका मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि कोई भी बंदा ए और बी के साथ नेगेटिव रिलेशन प्ले करेगा, मैं ये भी तो कह सकता हूँ. अगर ये बात मैं कह सकता हूँ और अगर ये बात इसमें अप्लाई होती है तो इसका मतलब इसी चीज की पॉसिबिलिटी को क्या होना पड़ेगा? डेफिनेटली फॉल्स होना पड़ेगा. ठीक है, अच्छा चौथी चीज ये होगी इसमें, एनी नेगेटिव डेफिनेट रिलेशंस ऑफ ए एंड बी with the third element will be true. किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव डेफिनेट बात ए और बी की किसी और के रिस्पेक्ट में क्या होने वाली है? डेफिनेटली ट्रू हो जाएगी. एक बात बताओ, सारी चीजें क्लियर दिख रही है कि नहीं दिख रही है? सारी चीज़ें दिख रही है ना. अब मुझे एक चीज़ ये बताओ बच्चों, यहाँ पर क्या होगा इस केस में क्या होता है ए एंड बी कैन मेक नेगेटिव पॉसिबिलिटीज With the third element, है ना? With the third element, ठीक है? ये लो, अब मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा क्लियर होगा, है ना? अभी चीज़ें क्लियर है ना? ठीक है, ठीक. बस एक काम कर लेना बच्चों, फर्स्ट पॉइंट कैसा है इसको मैच कर लेना बस. ठीक है ना? अच्छा एक बात बताओ, चौथी बात यह है कि ए एंड बी मे और मे नॉट प्ले नेगेटिव
डेफिनेट नेगेटिव डेफिनेट विद द थर्ड एलिमेंट, विद द थर्ड एलिमेंट, ठीक है। अभी मैं तुम्हें इसका एग्जाम्पल देता हूँ, देखो अभी एग्जाम्पल दूंगा तो शायद चीज़ें और क्लियर हो जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल डिटेल में बताने की, ठीक है, पैनिक मत होना किसी भी चीज़ को लेके, है ना। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसका, एक बार इसको अच्छे से लिख लो, ठीक है, ताकि बार बार भटकना ना पड़े चीज़ों को लेके, और फिर हम लोग इस पर क्वेश्चन करते हैं, है ना। अब देखो इस पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, मैंने एग्जाम्पल लिया, पहले मुझे ये बताओ क्वेश्चन करने से पहले ओनली ए आर बी, ओनली ए आर ओनली बी, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है ऑल बी आर सी, ठीक, यहीं पर मैं दूसरा ले रहा हूँ, बस बच्चों मुझे ये बता दो कि दोनों में से कौन सा वाला इनवैलिड है, बस स्टेटमेंट नंबर ये ए वाला वैलिड है, ए वाला वैलिड है कि बी वाला वैलिड है, ठीक है। आप ए वाले को देखो दिक्कत क्या है, अगर तुमने सो डायग्राम बनाया तो कैसे बनेगा, डायग्राम बनेगा ए इक्वल्स टू बी, पॉजिटिव है ना, शेड मार दिया और फिर क्या बोल रहा है ऑल बी आर सी, यहां भी सेम केस होगा ऑल ए आर, ऑल ए, ऑल ए इक्वल्स टू बी, तो डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा और फिर क्या होगा, बी किसके अंदर है, सी के अंदर है। अब देखो इस वाले केस में तो डायग्राम पॉसिबल है, बट यहां पर क्या है, जैसे ही आपने बी को सी बनाया तो आप एक चीज बताओ ना, हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि ए और बी अब किसी तीसरे बंदे के साथ पॉजिटिव रिलेशन बना ही नहीं सकते, तो ये वाला डायग्राम तुम्हारा क्या हो गया, ये डायग्राम इनवैलिड हो गया। इनवैलिड होने का रीजन क्या है कि ए और बी अब किसी तीसरे के साथ पॉजिटिव रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है, ए और बी अब किसी तीसरे के साथ पॉजिटिव रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा दूसरा केस देखो, दूसरा केस देखो, मान लो अब यहां पर मैंने लिखा, पहला मैंने लिखा ओनली ए आर बी, ओनली ए आर ओनली बी, ठीक है, और यहां पर मैंने लिखा ऑल ए इक्वल्स टू बी, तो अगर डायग्राम बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, ए इक्वल्स टू बी, क्योंकि पॉजिटिव है तो मैंने क्या मार दिया, शेड मार दिया, ठीक है। अब शेड मारने का रीजन सिर्फ ये है, मैं इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करूंगा, फिर नहीं तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे एक चीज बताओ, कंक्लूजन वन, पहला कंक्लूजन ये पूछ रहा है कि नो बी इज सी, नो बी इज सी, और यहां पर कंक्लूजन वन वर पूछ रहा है नो बी इज सी। अब ये स्टेटमेंट था अपना, अब मैंने इस पर कंक्लूजन दे दिया, दूसरा कंक्लूजन ये बोल रहा है ऑल ए कैन बी सी, यहां पर बोल रहा है ऑल ए कैन बी सी, तीसरा कंक्लूजन है सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, नॉट सी, सॉरी नॉट सी ले लो, नॉट सी, और यहां पर सी थ्री है कि सम ए आर नॉट सी, है ना। अब मुझे एक चीज़ ये बताओ, अगर ये तीनों कंक्लूजन मुझे टिक करने हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ए और बी तो किसी तीसरे के साथ रिलेशन बना ही नहीं सकते, तो ये वाली लाइन मुझे क्या करनी पड़ेगी, मुझे ट्रू करना पड़ेगा, और ये 100% ट्रू है, लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में इसको फॉल्स करना पड़ेगा। और सुनो, मैंने इसको ओनली फॉल्स लिखा है, डेफिनेटली फॉल्स नहीं लिखा है, ओनली फॉल्स लिखा है। ओनली फॉल्स का मतलब होता है कि इसकी पॉसिबिलिटी ना होने की हो सकती है, ठीक है, और डेफिनेटली फॉल्स लिखा होगा तो मतलब उसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, ऑल ए कैन बी सी, क्या सारा ए सी में जा सकता है, तो इस केस में तो जा सकता है, लेकिन इस केस में क्या प्रॉब्लम है, इस केस में प्रॉब्लम ये है कि ए और बी तो अब किसी के साथ इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते,
तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू तुम्हारी क्या होगी, इसको मैंने डाला डबल क्रॉस। डबल क्रॉस का मतलब डेफिनेटली फॉल्स, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ सम ए आर नॉट सी, तो इसको ही मुझे क्या करना पड़ेगा, ये भी मेरा क्या होगा, ये भी मेरा होगा ओनली फॉल्स, ये भी मेरा क्या होगा ओनली फॉल्स, ठीक है, क्योंकि इस बात की श्योरिटी नहीं है, ए सी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट इस वाले केस में क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको मुझे इसको ट्रू मानना पड़ेगा। अरे भाई जब ए का कोई भी हिस्सा सी में नहीं है तो जाहिर सी बात है कि कुछ पार्ट भी नहीं होगा। देखो जिस तरीके से ऑल ट्रू होता है तो सम को ट्रू होना पड़ता है, उसी तरीके से अगर नो ट्रू है तो सम नॉट भी क्या होगा ट्रू होगा, सम नॉट भी क्या होगा ये भी ट्रू होगा, ठीक है। ये चीज़ें हमने पहले की क्लास में पढ़ी थी, है ना। तो पहले मुझे ये बताओ ओनली ए आर ओनली बी की कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। देखो थोड़ा इजी है, नेगेटिव रिलेशन काम ही नहीं करना है इस पे, है ना, और नेगेटिव रिलेशन काम करेगा वो भी डेफिनेट वाला काम करेगा, पॉजिटिव रिलेशन ना तो डेफिनेट काम करेगा और ना ही कोई पॉसिबिलिटी काम करेगी, सिंपल सा फंडा इसका, है ना। अब आगे आ जाओ दूसरे पार्ट पर आओ, दूसरे पार्ट अभी देखो क्वेश्चन में कराऊंगा इसके, ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें अपना ये बेस तैयार करना पड़ेगा। अब सेकंड स्टेटमेंट देखो ध्यान से, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है तुम्हारा, फर्स्ट स्टेटमेंट था ओनली ए आर ओनली बी, अब सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, सेकंड स्टेटमेंट बोलता है तुम्हारा ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी, ठीक है। और जब कभी भी ओनली ए आर बी लिखा होगा तो ध्यान रखना बच्चों इसको मुझे ट्रीट करना है, कैसे कैसे ट्रीट करोगे इसको, इसको ट्रीट आप करोगे ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, इसको ट्रीट कैसे करोगे, इसको ट्रीट करोगे ऑल बी आर ए, ठीक। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम बनेगा सारा का सारा बी किसके अंदर है, ए के अंदर है ना, और बी को मैंने मार दिया शेड, ठीक। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अच्छा इस डायग्राम से क्या समझ में आता है, अभी मैंने समझाया था ओनली वाला पार्ट तुम लोगों को, तो ये बताओ इससे मुझे ये समझ में आता है कि बी सिर्फ और सिर्फ किसके साथ रिलेशन बना सकता है, ए के साथ बना सकता है और वो किसी के साथ बना ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, पहला ये लिखा हुआ है, पहला लिखा है ओनली ए आर बी, ठीक है, और दूसरा लिखा हुआ है, दूसरा लिखा है ऑल बी आर ए, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब मैं इसका इसको ट्रीट कैसे करूंगा, इसको मैं ट्रीट करूंगा ऑल बी आर ए, है ना, लेकिन जब मैं डायग्राम बनाऊंगा इसका तो डायग्राम कैसे बनाऊंगा, मैं करूंगा बी को सारा का सारा किसके अंदर, ए के अंदर करूंगा और बी पे मार दूंगा मैं शेड, ठीक है। इस केस में क्या करना पड़ेगा मुझे, मुझे इस केस में सारे के सारे बी को ए के अंदर बनाना पड़ेगा लेकिन शेड नहीं मारना है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, सबसे पहला डिफरेंस ये बताओ, तुम बताते रहना बच्चों, बी कैन नेवर मेक, बी कैन नेवर मेक एनी पॉजिटिव डेफिनेट एंड ऑल्सो एनी पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज with the third element, ठीक है। बी चाह के भी किसी तीसरे बंदे के साथ intersect नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, reason क्या है, देखो reason clear है यहां पर कि बी सिर्फ और सिर्फ किसका part है, A का part है, ठीक है। और यहां पर हो सकता है बी मे और मे नॉट,
पॉजिटिव डेफिनेट और पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज, पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज विद द थर्ड एलिमेंट। ठीक है, आई मैं इसका एग्जाम्पल भी दूंगा, रुको, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा यहां पर क्या है ये बताओ, बी अगर पॉजिटिव नहीं बनाएगा तो बी कैन नेवर मेक नेगेटिव पॉसिबिलिटीज विद दी थर्ड एलिमेंट। ठीक है, बी कभी भी किसी तीसरे के साथ नेगेटिव पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, रीजन क्या है, क्योंकि ऑलरेडी बी जो है ना वो कैसा रिलेशन प्ले कर रहा है, वो नेगेटिव डेफिनेट रिलेशन प्ले कर रहा है। तो जो चीज नेगेटिव डेफिनेट है 100%, तो क्या उसकी पॉसिबिलिटी काम करेगी, उसकी पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी। तो ये बताओ, यहां पर है बी कैन मेक नेगेटिव पॉसिबिलिटीज विद द थर्ड एलिमेंट। ठीक है, यहां पर भी नेगेटिव पॉसिबिलिटी का रोल प्ले कर सकता है। तीसरा पॉइंट जो है, बी विल ऑलवेज मेक नेगेटिव डेफिनेट विद द थर्ड एलिमेंट। बी हमेशा नेगेटिव डेफिनेट रोल प्ले करेगा। ठीक है, क्योंकि बी सिर्फ और सिर्फ ए का पार्ट है, ध्यान रखना। और इस केस में बी मे और मे नॉट प्ले नेगेटिव डेफिनेट विद द थर्ड एलिमेंट। ठीक है, देखो सीधा सा फंडा है भाई, बी सिर्फ ए के अंदर है तो वो किसी और के अंदर जा ही नहीं सकता। यहां पर सिर्फ नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, बी ए के अंदर है, इसका मतलब ये किसी और में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। लेकिन यहां पर तो क्लियर कट है भैया, बी को सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर रहना है, ए के अंदर रहना है, और किसी के अंदर ये जा ही नहीं सकता। अब इसके बेस पे क्वेश्चन देखो, मैं दोनों डायग्राम को लूंगा। ठीक है, ये बोल रहा है ओनली ए आर बी, पहला पॉइंट है, ये पहला स्टेटमेंट है। और यहां पर क्या है, पहला स्टेटमेंट ऑल बी आर ए। ठीक है, अभी देखो दोनों का डिफरेंस तुम लोगों को समझ में आएगा अच्छे से, है ना, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। आ जाओ, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका बनेगा ऑल बी आर ए, और बी को मैं मार दूंगा, क्या शेड मार दूंगा बी को, क्योंकि मेरा पॉजिटिव है ये, है ना। यहां पर कैसे बनेगा, बी का सारा पार्ट किसके अंदर, ए के अंदर, बट ये पॉजिटिव नहीं है, है ना। अच्छा, अब जरा पहले कंक्लूजन पर आओ। पहला कंक्लूजन बोल रहा है नो बी इज सी, और यहां पर बोल रहा है पहला पॉइंट नो बी इज सी। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां तो ये लाइन को ट्रू होना पड़ेगा, क्योंकि बी सिर्फ और सिर्फ किसका पार्ट है, ए का पार्ट है, वो किसी और के साथ रिलेशन बना ही नहीं सकता। ठीक है, इस पर आओ, यहां पर इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉल्स,
मतलब ओनली फॉल्स है, ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं है, ये ओनली फॉल्स है, डेफिनेटली फॉल्स नहीं है। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर आओ। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है, सम बी कैन बी सी, यहां बोल रहा है सम बी कैन बी सी। तो देखो यहां तो ये हो सकता है ट्रू, ठीक है, बी सी के साथ रिलेशन बना सकता है, लेकिन यहां पर क्या होना पड़ेगा, यहां होना पड़ेगा डेफिनेटली फॉल्स। ठीक है, चलो तीसरे पर आओ। तीसरा बोल रहा है ऑल ए कैन बी सी, ठीक है, और यहां पर भी ले लो ऑल ए कैन बी सी। सोच समझ के आंसर देना, सोच समझ के आंसर देना। देखो ये वाली लाइन तो ट्रू हो सकती है ना, क्योंकि ए सारा का सारा सी में जा सकता है विदाउट हैम्परिंग बी, बी को किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचा के, है ना। बट अगर तुमने यहां पर सारे ए को सी बनाया तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी का भी सारा पार्ट किस में चला गया, बी का भी सारा पार्ट सी में चला गया, और ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेफिनेटली फॉल्स। ठीक है, सारा ए सी नहीं हो सकता, कुछ पार्ट हो सकता है, सारा पार्ट नहीं हो सकता इस वाले केस में। ठीक है, तो आई होप कि ये ओनली फ्यू का जो तुम्हारे सामने बार बार चैलेंज आता है शायद आज से एंड हो, है ना, कोशिश तो यही है। चलो आगे चलते हैं, एक लास्ट पॉइंट इस पे और बचा हुआ है, लास्ट पॉइंट और बचा हुआ है, थर्ड स्टेटमेंट है, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है ओनली ओनली फ्यू ए आर बी, ठीक, ओनली फ्यू ए आर बी, ठीक है, और मैं यहीं पर ले लेता हूँ, यहीं पर ले लेता हूँ फ्यू ए आर बी, फ्यू ए आर बी, ठीक। तो एक बात बताओ ना, एक बात बताओ, मान लो कि सपोज मैंने बोला कि टोटल 100 बच्चों की क्लास है, ठीक है, ये टोटल 100 बच्चों की क्लास है, तो मैंने बोला कि ओनली 50 आर मेल, ये मेरा स्टेटमेंट है, ये मेरा स्टेटमेंट है, मैंने बोला कि केवल केवल कितने मेल हैं, अब की बार केवल 50 मेल हैं। तो इस रिजल्ट से, इस स्टेटमेंट से कितने रिजल्ट जनरेट होते हैं, पहला रिजल्ट ये जनरेट होता है कि 50 आर मेल, है ना, 50 आर मेल, और दूसरा क्या जनरेट होता है, 50 आर नॉट मेल, 50 आर नॉट मेल। तो ये पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव वाला केस है। जब कभी भी केवल कुछ नाम का शब्द जुड़ता है तो इसका मतलब कुछ है और कुछ नहीं है, सम आर मेल वाइल सम आर नॉट मेल, ठीक है, ये दोनों रिजल्ट जनरेट होते हैं, ठीक है ना। अब देखो अगर ये दोनों रिजल्ट जनरेट होते हैं तो इसी चीज को अप्लाई करते हैं हम लोग अपने स्टेटमेंट पे, है ना। जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो देखो ये कहना क्या चाह रहा, इससे दो रिजल्ट जनरेट होंगे, पहला रिजल्ट जनरेट होगा सम ए आर बी, सम ए आर बी, और दूसरा रिजल्ट क्या जनरेट होगा, दूसरा रिजल्ट होगा सम ए आर नॉट बी, नॉट बी, क्योंकि ये पार्शली पॉजिटिव सेंटेंस है, मैं बार बार बोल रहा हूं, और यहां से क्या जनरेट होता है, ये तो यही कहना चाह रहा है ना, इससे सिर्फ एक कंक्लूजन ड्रॉ होता है, वो ड्रॉ होता है सम ए आर बी, कुछ ए बी है, और यहां क्या चाह रहा, कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कुछ ही ए बी है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, सॉरी इसको एक काम कर लो, सम ए आर नॉट बी ले लो, इसको सम ए आर नॉट बी, ठीक है, तो सम ए आर नॉट बी से क्या जनरेट होगा, मेरा मेरा जनरेट हो रहा है सिर्फ एक लाइन, सम ए आर नॉट बी, सिर्फ यही कंक्लूजन जनरेट हो रहा है। ठीक है,
अभी मैंने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, आप नेगेटिव ले लो इसको, ठीक। तो ये बताओ इसका डायग्राम कैसे बनता है, इसका डायग्राम बनता है जितना बोला जाएगा उतना ही करना है मुझे। तो ये कह रहा है कि कुछ ए का पार्ट बी में नहीं है, सिर्फ यही तो कहना चाह रहा है। और ये क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, यहीं पर ब्लंडर होता है। इसके दो डायग्राम बना रहा हूँ मैं, पहला डायग्राम जो मैं ड्रॉ करता हूँ, मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये ओनली वाला पार्ट है ना पॉजिटिव, तो शेड मार दिया और ए के ऊपर एरो लगा दिया। एरो का मतलब है ओनली फ्यू ए, यानी ए के साथ ओनली जुड़ रहा है, ठीक है। और दूसरा डायग्राम जो बनेगा इसका, दूसरा डायग्राम बनेगा वो बनेगा इस तरीके से, शेड मार लो, ए का कुछ पार्ट बी में है, और दूसरा एक चीज़ और शो कर दो इसके साथ कि ए का कुछ पार्ट बी में नहीं है। अब मुझे पूरी उम्मीद है तुम लोगों को ये वाला डायग्राम ज़्यादा परफेक्ट लग रहा होगा, तो हम इसी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हालांकि मेरी आदत इससे है, बट मैं इससे करूँगा क्वेश्चंस को, ठीक है। अभी तक क्लियर है सारी चीज़ें? तो मुझे ये बताओ, मुझे एक चीज़ ये बताओ, अगर मैं तुम्हें इस पर क्वेश्चन दूँ, अगर मैं इस पर क्वेश्चन दूँ, पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, ओनली फ्यू ए आर बी, और दूसरा मैंने लिखा सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ठीक है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम तो ऐसे बनेगा ना, ए का कुछ पार्ट बी में है और ए का कुछ पार्ट बी में नहीं है, दोनों चीज़ें शो होंगी। और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर सिर्फ ये बनेगा ए का कुछ पार्ट बी में नहीं है, ठीक है। तो ये बताओ अगर इस पे कंक्लूजन नंबर वन ये पूछता है कि सम ए आर बी और कंक्लूजन टू ये पूछता है सम ए आर नॉट बी, ठीक है, और सेम कंक्लूजन यहाँ पर है सम ए आर बी और दूसरा है सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ठीक है। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, सम ए आर बी को तो मैं बना दूंगा इस तरीके से, इसको मैं कर दूंगा ट्रू। क्यों ट्रू किया मैंने, क्योंकि कुछ ए का पार्ट बी में होगा ना, और वहां पर सम ए आर बी का मेरा हो गया कन्फ्यूजन, तो मैंने सिर्फ इसको ओनली फॉल्स कैटेगरी में डाल दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। और ये देखो सम ए आर नॉट बी को मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रू करना पड़ेगा, यहां भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ये पूछे कि ऑल बी कैन बी ए, ऑल बी कैन बी ए, सारे बी ए हो सकते हैं, तो सारे बी को ए मान लो, ये हो सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली वहां भी सारे बी ए भी हो सकते हैं, ठीक है ना, अंतर समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात और बताओ, अगर मैं अगर मैंने इसको यहां पर लिखा सम ए आर बी तो डायग्राम तो इसका ऐसे बनेगा ना। अब जरा मुझे बताओ इन दोनों केसेस के लिए कौन सी वाली लाइन ट्रू होगी, कौन सी फॉल्स होगी, सम ए आर बी। तो देखो सम ए आर बी इसमें ट्रू है तो इसमें भी ट्रू है, बट सम ए आर नॉट बी को इसमें ट्रू होना पड़ेगा, इसमें क्या होना पड़ेगा, फॉल्स होना पड़ेगा। भाई सम ए आर नॉट बी बोल रहा है ना, तो कंफर्म कैसे है, अब ये मत बोलना कि रिमेनिंग पार्ट है वो भी नहीं है भाई, ये मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा फिर, ठीक है। ये चीज़ें मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी थी, रिमेनिंग पार्ट अननोन रिलेशन प्ले करता है हमेशा, तो ये लाइन मैं कह नहीं पाऊंगा। अच्छा ये बताओ अगर मैं इसी में लिख के दूं ऑल ए कैन बी बी, ठीक है, और यहां पर लिख के दूं ऑल ए कैन बी बी, तो ये बताओ इसमें तो ट्रू हो गया ना,
इस केस में तो ट्रू हो गया, लेकिन इस केस में क्या होना पड़ेगा, इस केस में डेफिनेटली फॉल्स होना पड़ेगा। और रीजन क्या है, रीजन पहले से ही मुझे क्लियर है कि ए का सारा पार्ट बी में जा ही नहीं सकता भाई, ए का सारा पार्ट बी में जा ही नहीं सकता है, ये चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, अब विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक, पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सम पोटैटो आर ओनियन, कुछ पोटैटो क्या है, ओनियन हो गए। फिर क्या बोल रहा है, ऑल ओनियन आर टोमेटो, ऑल ओनियन आर टोमेटो। फिर नीचे वाले पॉइंट पर आओ, ओनली फ्यू टोमेटो आर कैरेट, कुछ ही टोमेटो क्या है, कैरेट है। शेडेड मार दिया मैंने, शेड मार दिया मैंने, और कुछ ही टोमेटो कैरेट है ना, इसका मतलब ये वाला रिलेशन भी तो काम कर रहा होगा, है ना। फिर बोल रहा है नो ओनियन इज कैरेट, और कोई भी ओनियन जो है वो कैरेट नहीं है। डायग्राम देखो ध्यान से, ऐसे ही तो बनेगा। अब पहले कंक्लूजन पर आओ, पहले कंक्लूजन पर आओ जल्दी से। पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है, पहला कंक्लूजन बोल रहा है ऑल टोमेटो आर कैरेट इज अ पॉसिबिलिटी। अरे भाई सारे टोमेटो तो कैरेट हो ही नहीं सकते, क्योंकि पहले ही वहां पर सम नॉट लग गया है, तो ये वाली लाइन क्या हो गई तुम्हारी, डेफिनेटली फॉल्स। दूसरे पर आओ, सम पोटैटो आर नॉट कैरेट, तो ध्यान से देखो, पोटैटो का जो हिस्सा ओ में चला गया, पोटैटो का जो हिस्सा ओ में चला गया वो कभी सी में जाएगा, वो कभी सी में नहीं जा सकता, इसका मतलब ये वाली लाइन ट्रू हो गई। फिर बोल रहा है ऑल टोमेटो आर पोटैटो इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे टोमेटो पोटैटो हो सकते हैं, तो उल्टे में तो हो सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनके लिए तो कहीं भी कोई भी पॉजिटिव लाइन है ही नहीं ना। सारे टोमेटो पोटैटो हो सकते हैं, सारे पोटैटो टोमेटो हो सकते हैं, लेकिन सारे टोमेटो कैरेट नहीं हो सकते, ठीक है, और सारे कैरेट टोमेटो हो सकते हैं लेकिन, ठीक है ना। अच्छा आगे आओ, अगले पर आओ, अगला तो आसान सा दिख रहा है मुझे। अगला बोल रहा है सम रैट आर डॉग्स, सम रैट आर डॉग्स, ठीक। फिर नो डॉग इज अ डियर, कोई भी डॉग जो है वो डियर नहीं है, ठीक है, कोई भी डॉग डियर नहीं है। फिर बोल रहा है सम डियर आर लायन, कुछ डियर क्या है, लायन है। फिर बोल रहा है नो लायन इज अ कैमल, कोई भी लायन क्या नहीं है, कैमल नहीं है। तो पहला बोल रहा है सम डियर आर नॉट कैमल, तो देखो ये लाइन होनी पड़ेगी ट्रू, क्यों ट्रू होना पड़ेगा, रीजन देखो, जो डियर का पार्ट एल में चला गया वो कभी भी सी में नहीं जा सकता, इसका मतलब ये वाली लाइन क्या हो गई, ट्रू हो गई, है ना। फिर बोल रहा है ऑल रैट कैन नेवर बी लायंस, सारे रैट कभी भी लायन नहीं हो सकते, तो सुनो मेरी बात ध्यान से, सारे रैट कभी भी डियर नहीं हो सकते, क्योंकि आर का जो पार्ट डी में चला गया ना वो कभी भी डियर में नहीं जाएगा, तो सारे रैट डियर नहीं हो सकते, बट सारे रैट लायंस हो सकते हैं, इसका मतलब ये वाली लाइन फॉल्स हो गई, है ना। फिर ऑल रैट आर कैमल इज अ पॉसिबिलिटी, अब देखो ना इन दोनों का रिलेशन कैसा है, अननोन है, अननोन वाली कहानी मैंने पहले भी पढ़ाई थी तुम लोगों को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन टिक करेंगे हम लोग, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोस, कोई ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है ना, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोस, इसको टिक करेंगे हम, ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। चलो आगे आओ, अगले क्वेश्चन पर आओ, अगले क्वेश्चन पर आओ। देखो 15-20 सवाल कर लो आज की आज ही, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए तुम्हारा, बार बार तुम्हें प्रॉब्लम में ना फंसना पड़े, ठीक है, आ जाओ जल्दी से। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन अगला, ये बोल रहा है ऑल केक्स आर कैंडी, सारे केक्स क्या है, सारे केक्स क्या है तुम्हारे, सारे जो केक्स हैं वो सारे के सारे केक क्या हैं, ऑल केक्स आर कैंडी, सारे केक क्या है, कैंडी है, और नो कैंडी, नो कैंडी इज अ क्रीम, कोई भी कैंडी क्रीम नहीं है, सम क्रीम आर ऑरेंज, ठीक है, शानदार, आ जाओ, सम केक्स आर ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ केक्स ऑरेंज हो सकते हैं। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, रिलेशन कैंडी और सी आर का मना है, क्रीम का मना है, इसका थोड़ी ना मना है, तो कुछ केक ऑरेंज हो सकते हैं, ट्रू। सम क्रीम आर नॉट कैंडी, कुछ क्रीम कैंडी नहीं है, अरे भाई जब नो का रिलेशन है
तो सम नॉट का भी रिलेशन चलेगा, तो ये भी क्या हो गया तुम्हारा, ट्रू हो गया। आगे आओ, ऑल केक्स आर ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, सारे केक्स ऑरेंज हो सकते हैं, सारे केक्स क्रीम नहीं हो सकते ना, ऑरेंज हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। और सुनो, सारे ऑरेंज कैंडी नहीं हो सकते। रीजन क्या है? क्योंकि जो ओ का पार्ट सीआर में है वो कभी भी सी कैंडी में नहीं जाएगा। तो दोनों टाइप के सिलॉग के मिक्सचर आएंगे, जो पहले पढ़ रहे थे बेसिक वाला वो भी, और जो ओनली वाला पढ़ रहे थे ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन टिक करेंगे सारे फॉलोज, ठीक है। आगे आओ, अगला क्वेश्चन किस चीज़ का बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है ओनली फ्यू पेन आर इंक, कुछ पेन क्या है? कुछ पेन क्या है? कुछ पेन इंक है। ओनली फ्यू पेन आर इंक, कुछ ही पेन इंक है, कुछ ही पेन इंक है, ठीक है। शेड मार दिया, नो का रिलेशन लगा दिया, सब नॉट का रिलेशन लगा दिया, वही वाला क्वेश्चन तो है ना, सब नॉट का रिलेशन लगा दिया, ठीक है। फिर बोल रहा है नो इंक इज अ इरेजर, कोई भी इंक जो है वो इरेजर नहीं है। फिर क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है ओनली पेंसिल आर इरेजर, ओनली पेंसिल आर इरेजर, इसका मतलब ऑल इरेजर आर पेंसिल, यही तो मतलब हुआ ना, यही तो बताया था मैंने पहले। तो ऑल इरेजर आर पेंसिल, सारे इरेजर क्या हो गए? ये पेंसिल हो गए, ठीक है, ये पेंसिल हो गए। फिर क्या बोल रहा है? नो पेंसिल इज इंक, कोई भी पेंसिल जो है वो इंक नहीं है, ठीक। आ जाओ क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन बोल रहा है सम इरेजर कैन बी इंक, कुछ इरेजर इंक हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि नो का रिलेशन काम कर रहा है आई और ई में, तो पॉजिटिव तो काम करेगा ही नहीं, तो पहला हो गया फॉल्स। ऑल इरेजर कैन नेवर बी इंक, सारे इरेजर कभी भी इंक नहीं हो सकते, तो ये लाइन ट्रू है, कभी नहीं हो सकते। भाई इन दोनों में कैसा रिलेशन है आई और ई में? नो का रिलेशन है ना, तो पॉजिटिव तो काम करेगा ही नहीं, हमेशा क्या काम करेगा? नेगेटिव। तो ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि सारे इरेजर कभी भी इंक नहीं हो सकते, तो नहीं हो सकते। आगे बोल रहा है ऑल पेन आर इंक इज अ पॉसिबिलिटी, सारे पेन इंक हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते सारे पेन इंक, क्योंकि सम नॉट का केस लगा हुआ है। तो यहां पर कौन सा टिक करोगे? ऑप्शन नंबर ओनली सेकेंड फॉलोज। देखो आसान है कि हार्ड है, बताओ, समझ में आ रहा है ना किस तरीके से कर रहा हूं मैं? चलो आगे आओ, आगे आओ, इस पर आओ। नो पिंक इज येलो, क्वेश्चन नंबर ये वाला कर रहे हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। नो पिंक इज येलो, कोई भी पिंक जो है वो येलो नहीं है, ठीक। फिर बोल रहा है ऑल येलो आर ब्लू, देखो ऑल येलो आर ब्लू, ऑल पिंक आर ब्लू, ऑल येलो आर ब्लू, ऑल पिंक आर ब्लू, तो इसका मतलब कुछ इस तरीके से बनना पड़ेगा ब्लू को। भाई सारे पिंक भी ब्लू हैं, सारे येलो भी ब्लू हैं। फिर बोल रहा है ओनली फ्यू येलो आर ग्रीन, कुछ ही येलो, कुछ ही येलो किसके अंदर है? ग्रीन के अंदर है, तो इसका मतलब बाकी पार्ट नहीं होगा, है ना। एक सेकंड बच्चों, लाइट चली गई है, एक सेकंड रुक जाओ बस, ठीक है। चलो एक बात बताओ, अभी तक का ये जो कंसेप्ट मैंने बताया था, ठीक है, ये कंसेप्ट तुम लोगों को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ओनली वाला जो पार्ट होता है इंटरेस्टिंग पार्ट होता है भाई, ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही पूछता है, ठीक है, ओनली वाला पार्ट ही पूछता है सबसे ज़्यादा एग्जाम में। तो क्वेश्चंस अगली बार कर लेंगे इसके, ठीक है, कल करा दूंगा क्वेश्चंस इसके मैं, है ना। एक मिनट रुक जाओ, जरा देख लें, दो मिनट। दो मिनट दो बस।
परेशान नहीं होना, ठीक है, ये सब चीज़ें तो लगी रहती हैं। ठीक, चलो हम लोग कहाँ पर थे? हाँ, फटाफट देख लेते हैं ना, ये बोल रहा था कि नो पिंक इज येलो, फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। नो पिंक इज येलो, कोई भी पिंक क्या नहीं है, येलो नहीं है, सारे पिंक भी ब्लू हैं, सारे येलो भी ब्लू हैं, इस तरीके से बना दिया। फिर बोल रहा है कुछ ही येलो ग्रीन है, ठीक है, सम पार्ट ऐसे, और बाकी को मुझे क्या करना पड़ेगा, सम नॉट लगाना पड़ेगा ना, इस तरीके से। फिर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑल पिंक कैन बी ग्रीन, सारे पिंक ग्रीन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, सारे पिंक येलो नहीं हो सकते बट ग्रीन हो सकते हैं, तो पहला सही। दूसरे पर आओ, दूसरा बोल रहा है ऑल येलो आर ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, सारे येलो ग्रीन हो सकते हैं, नहीं हो सकते, सम नॉट का केस है ना, दूसरा फॉल्स। तीसरे पर आओ, तीसरा बोल रहा है सम ग्रीन आर नॉट पिंक, तो ग्रीन का जो हिस्सा येलो में है वो कभी भी पिंक नहीं होगा, तो तीसरा ट्रू। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा अपना, फर्स्ट एंड थर्ड इज ट्रू, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड इज ट्रू। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12वां देखो, क्वेश्चन नंबर 12वां देखो, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग, ठीक है। फिर बोल रहा है सम सोनी आर फिलिप्स, कुछ सोनी क्या है, फिलिप्स हैं, कुछ सोनी फिलिप्स हैं, सारे सोनी JBL हैं, सारे सोनी क्या है, JBL हैं सारे सोनी, सारे सोनी JBL, डायग्राम क्लियर है ना। फिर बोल रहा है नो फिलिप्स इज LG, कोई भी फिलिप्स क्या नहीं है, LG नहीं है। फिर बोल रहा है ओनली फ्यू LG आर सैमसंग, कुछ ही LG जो है वो सैमसंग है, कुछ ही LG जो है वो सैमसंग है, ठीक है। तो पहला बोल रहा है ऑल फिलिप्स आर सैमसंग इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे फिलिप्स सैमसंग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, फिलिप्स LG नहीं हो सकते ना, सैमसंग तो हो ही सकते हैं, तो पहला वाला क्या हो गया तुम्हारा ट्रू। दूसरे पे क्या बोल रहा है, सम सोनी कैन बी LG, कुछ सोनी LG हो सकते हैं, सम सोनी कैन बी LG, तो देखो सारे सोनी LG नहीं हो सकते ना, क्योंकि एस का जो पार्ट पी में है वो कभी भी LG नहीं होगा, तो सम सोनी LG नहीं हो सकते, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो पॉसिबिलिटी बनाता है, जिसकी वजह से सम सोनी कैन बी LG ट्रू बन जाता है। फिर बोल रहा है सम JBL आर फिलिप्स इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ JBL फिलिप्स हो सकते हैं, फिलिप्स हो सकते हैं, सम सोनी आर फिलिप्स, ऑल सोनी आर JBL, कहाँ गया, सम JBL आर फिलिप्स इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ JBL के फिलिप्स होने की पॉसिबिलिटी, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये चीज़ है, तो जो चीज़ होती है उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, डेफिनेटली फॉल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर D, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, ठीक है बच्चों, आई होप कि चीजें क्लियर हो रही होंगी तुम्हें आज, है ना। RRB का पेपर सामने आ रहा है, बिल्कुल भी अटकना मत अब की बार। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस पे आ जाओ, 14वें क्वेश्चन पर आ जाओ, 14th क्वेश्चन पर आ जाओ, ओनली वाला क्वेश्चन है ना, सम आइडिया आर जियो, कुछ आइडिया क्या है, जियो है। फिर ऑल जियो आर एयरसेल, सारे जियो एयरसेल हैं, ओनली फ्यू एयरसेल इज एयरटेल, कुछ ही एयरसेल जो हैं वो एयरटेल हैं, तो इसका मतलब फिर से सब नॉट वाला केस आ गया, है ना। पहला बोल रहा है सम आइडिया आर नॉट एयरटेल, कुछ आइडिया एयरटेल, अननोन रिलेशन है इन दोनों का, तो अननोन में कोई भी डेफिनेट बात नहीं कर सकते। फिर बोल रहा है ऑल आइडिया आर एयरटेल, फिर अननोन रिलेशन है, दूसरे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ध्यान से देखो तो सम के साथ तुम्हें क्या मिल रहा है, ऑल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सम के साथ ऑल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बच्चों, सम के साथ क्या मिल रहा है, इधर सम लिखा हुआ है, इधर लिखा है ऑल, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये दोनों किसके बन गए, ये बन गए आइदर और के रिलेशन, ये बन गया आइदर और का रिलेशन। फिर बोल रहा है सम एयरसेल आर जियो, कुछ एयरसेल जियो हैं, तो ये लाइन तो ट्रू है ना, तो यहां पर ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन बनेगा ये वाला डी वाला, ध्यान से देखना डी वाला ऑप्शन, आइदर और फर्स्ट, मतलब आइदर ये बोथ ए एंड सी,
तो सी वाला, तो ए वाला ऑप्शन तो टिक होगा ही होगा भाई, सी वाला तो फॉलो हो ही रहा है ना, और साथ ही साथ ए वाला ऑप्शन कहाँ गया, ये रहा, सी वाला ऑप्शन कहाँ रहा, आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, तो दोनों ऑप्शन काम कर रहे हैं हमारे इधर, इसलिए हमने इसको रखा इस तरीके से, ठीक है, इसलिए हमने रखा इसको इस तरीके से। और देख लो कहीं पर कुछ और है, चलो ये वाला क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, क्वेश्चन नंबर 18 देख लो एक बार जल्दी से। ये बोला नो ट्री इज बॉल, कोई भी ट्री जो है वो बॉल नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, ओनली फ्यू बॉल आर हैवी, कुछ ही बॉल्स क्या है, हैवी है, कुछ ही बॉल्स हैवी है, पॉजिटिव सेंटेंस आ चुका है फिर से। फिर बोल रहा है ऑल ट्रीज आर कोकोनट, सारे ट्री क्या है तुम्हारे, कोकोनट है। जरा आ जाओ फटाफट, पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है ऑल बॉल्स आर कोकोनट, सारे बॉल्स भी कोकोनट हैं, सारे बॉल्स को भी कोकोनट बनाना पड़ेगा, 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 इसके हिसाब से, इसके हिसाब से बन गया। अब आ जाओ, पहला बोल रहा है ऑल ट्री कैन नेवर बी हैवी, सारे ट्री कभी भी हैवी नहीं हो सकते, तो पहला हो गया फॉल्स, सारे ट्री हैवी हो सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, उन दोनों में तो अननोन रिलेशन है ना। अगला क्या बोल रहा है, ऑल बॉल्स आर हैवी इज अ पॉसिबिलिटी, सारे बॉल्स हैवी हो सकते हैं, नहीं हो सकते कभी, सारे नहीं हो सकते, कुछ हो, कुछ हैं सारे नहीं हो सकते, क्योंकि पॉजिटिव लाइन जुड़ गई है ओनली फ्यू के नाम से। फिर बोल रहा है सम कोकोनट आर नॉट हैवी, कुछ कोकोनट हैवी नहीं है, अरे भाई ये वाली लाइन भी क्या हो गई तुम्हारी, ट्रू हो जाएगी ना, क्यों ट्रू हो जाएगी, एक बात बताओ ये ट्रू क्यों हो जाएगी, ट्रू इसलिए होगी, ट्रू इसलिए होगी क्योंकि बी का जो पार्ट एच में नहीं है वो कोकोनट का तो है ही है भाई, बी का जो पार्ट एच में नहीं है वो कोकोनट का तो है ही है, तो कुछ कोकोनट एच नहीं है, ये वाली बात ट्रू हो गई कि नहीं ट्रू हो गई, तो ये वाली लाइन ट्रू हो गई है, तो यहां पर हम लोग टिक करेंगे ओनली ऑप्शन थर्ड फॉलोज, ठीक। और चलो आगे और देखता हूं ओनली वाले क्वेश्चन कहां है, चलो चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 21 क्या बोल रहा है, ऑल पेन, ऑल पेपर आर पेन, सारे पेपर क्या है, सारे पेपर हो गए पेन, है ना। फिर बोल रहा है ओनली फ्यू इंक आर नोट, ओनली फ्यू इंक आर पेन, अब सुनो ध्यान से, कुछ ही इंक पेन है तो कुछ नहीं होंगे, दोनों लाइनें काम करती हैं, है ना। फिर बोल रहा है सम नोट आर प्रिंटर, चलो छोड़ो, ओनली फ्यू इंक आर नोट, कुछ इंक क्या है तुम्हारे, नोट हो गए। फिर बोल रहा है सम नोट आर प्रिंटर, कुछ नोट क्या हो गए, प्रिंटर हो गए। डायग्राम क्लियर है, आ जाओ जरा पहले क्वेश्चन पर आओ, फर्स्ट वाले पॉइंट पर आओ, फर्स्ट वाला पॉइंट बोल रहा है सम पेपर आर इंक इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पेपर इंक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कुछ पेपर इंक हो सकते हैं, सारे पेपर भी इंक हो सकते हैं, बट सारे इंक पेन नहीं हो सकते, है ना। अच्छा फिर बोल रहा है, बोल रहा है फ्यू पेपर आर प्रिंटर, ये वाली लाइन, फ्यू पेपर आर प्रिंटर, फ्यू पेपर आर पेपर, ये रहा प्रिंटर, ये रहा अननोन रिलेशन है, तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, फॉल्स करना पड़ेगा, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉल्स करना पड़ेगा, ठीक है। आगे आओ 22 पर आओ जल्दी से, 22 पर आओ। फिर बोल रहा है ओनली फ्यू मिलिटेंट्स आर कमांडो, फ्यू मिलिटेंट्स, ओनली फ्यू मिलिटेंट्स आर कमांडो, कुछ ही मिलिटेंट कमांडो हैं भाई, ठीक है। फिर बोल रहा है ऑल कमांडोज आर पुलिस, सारे कमांडो क्या है तुम्हारे, पुलिस हो गए। फिर बोल रहा है नो पुलिस इज जर्नलिस्ट, कोई भी पुलिस जर्नलिस्ट नहीं है। आ जाओ पहला क्वेश्चन बोल रहा है सब मिलिटेंट आर पुलिस, कुछ मिलिटेंट पुलिस है, अरे भाई ये वाला पार्ट तो है ना, तो पहला क्या हो गया, पहला हो गया ट्रू। फिर बोल रहा है सम कमांडोज आर नॉट जर्नलिस्ट, कुछ कमांडोज जर्नलिस्ट नहीं है, तो भाई लाइन ट्रू है, जब पी ही जे नहीं है तो सी भी नहीं होगा, तो दोनों लाइन क्या हो गई तुम्हारी, ट्रू हो चुकी है, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन है ओनली के नाम से, ओनली के नाम से एक क्वेश्चन ये रहा, ओनली के नाम से एक क्वेश्चन ये रहा, ये रहा 23, ये बोल रहा है फ्यू एप्पल आर ऑरेंजेस, ओनली फ्यू एप्पल, कुछ ही एप्पल क्या है,
ऑरेंजेस हैं तो कुछ नहीं होंगे, दोनों काम करते हैं एक साथ। फिर बोल रहा ऑल ऑरेंजेस आर गुआवा, सारे ऑरेंजेस किसके अंदर चले गए, गुआवा के अंदर चले गए। फिर बोल रहा है नो ऑरेंज इज बनाना, कोई भी ऑरेंज क्या नहीं है, बनाना नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ जरा, ऑल बनाना आर कीवी, ये पॉइंट छूट रहा है, ऑल बनाना आर कीवी, सारे बनाना क्या हो गए, कीवी हो गए। जरा फर्स्ट सेकंड पॉइंट पे आओ, ये बोल रहा है सम कीवी आर नॉट एप्पल, कुछ कीवी एप्पल नहीं है, तो पहला हो गया फॉल्स, पहला हो गया फॉल्स। फिर बोल रहा है ऑल गुआवा आर बनाना इज अ पॉसिबिलिटी, सारे गुआवा बनाना हो सकते हैं, अगर तुमने सारे गुआवा को बनाना बनाया तो उसमें ओ भी तो चला आएगा, ओ भी तो चला आएगा, तो इस केस में तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस केस में तुम्हारा क्या हो जाएगा, सारे गुआवा बनाना नहीं हो सकते। ठीक है, तो ऑल गुआवा बनाना फॉल्स, तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे हम लोग, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज। ठीक है, और कौन सा दिख रहा है मुझे, 26 पर आओ जल्दी से, 26 पर आओ जल्दी से, 26 क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, फ्यू पेंसिल आर पेन, फटाफट कर रहा हूं मैं, फ्यू पेंसिल्स आर पेन, ओनली फ्यू पेंसिल्स आर पेन बोला है ना, लगा दो ऐसे। फिर बोल रहा है नो पेन इज अ पेपर, कोई भी पेन जो है वो पेपर नहीं है। ठीक है, ऑल इरेजर आर पेपर, सारे इरेजर जो हैं वो अब की बार पेपर के अंदर हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑल पेंसिल आर पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे पेंसिल पेपर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि जो पेंसिल का पार्ट पेन में चला गया वो कभी भी पेपर में नहीं जाएगा। तो पहला वाला क्या हो गया, पहला वाला फॉल्स हो गया, ये फॉल्स है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है ऑल पेन्स कैन बी पेंसिल, सारे पेन्स पेंसिल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, सब नॉट का केस जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो दूसरा भी क्या हो गया तुम्हारा, फॉल्स हो गया। तीसरा बोल रहा है सम इरेजर आर पेंसिल इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ इरेजर पेंसिल हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, रीजन क्या है इसका, रीजन क्या है, देखो पेन और पेपर का रिलेशन मना है ना, पेंसिल से तो मना नहीं है, तो इरेजर पेंसिल में जा सकता है। ठीक है, अब मुझे बताओ कुछ कॉन्फिडेंस आया तुम लोगों को, हाँ, तो आज के लिए बस करते हैं इसको इतना, ठीक है, सफिशियंट इनफ है। ठीक बच्चों, चलो थैंक यू सो मच, ठीक है, ऑल द बेस्ट।